हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2002 की द ड्रीम आर सेम मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स बन जाते हैं पर इन ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप बहुत ही अजीब है। इसके बाद क्या होता है यह हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। कुछ मूवीज होती है जिसमें बाहर जो चल रहा है वही चीजें कैरेक्टर्स के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट करती है, उसी तरह की ये मूवी है। एक्सटर्नल चीजें इनके अंदर के इमोशनल और माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मूवी प्रोग्रेस होगी और एंडिंग होगी तो ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैथ्यू, ये इंट्रोड्यूस होता है। ये मैथ्यू ही है जो हमें ये सब स्टोरी सुना रहा है। मैथ्यू अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए अमेरिका छोड़कर डायरेक्टली पेरिस आ जाता है। मैथ्यू को मूवीज बहुत ही पसंद आती है, इसने बहुत सारी मूवीज देखी है और सब चीजें इसे मूवीज के बारे में पता है। इसे उसके मूवी के इंटरेस्ट की वजह से ही वो इजाबेल और थियो ये दोनों ट्विन से मिलता है। मूवी की स्क्रीनिंग करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इसलिए सब लोग बाहर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसी जगह पर मैथ्यू भी आ जाता है। गेट के पास इजाबेला होती है। मैथ्यू जब वहां पहुंचता है तो उससे वो बात करने लग जाती है। उस कहती है कि मैं आसपास तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ पर हमेशा तुम अकेले ही होते हो। मैथ्यू भी उसे कहता है कि वो अमेरिका से आया है, इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। इजाबेला अपने ब्रदर थियो से भी मैथ्यू को मिलाती है। इसके बारे फिल्म के बारे में बात करते है और इनमें अच्छी बॉन्डिंग होती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुंच जाते हैं, ये सब वहां से भाग जाते हैं। देर रात तक अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। पेरिस की ब्यूटीफुल स्ट्रीट से जाते हुए मैथ्यू को लगता है कि वो बहुत ही फॉर्चुनेट है, उसके अच्छे से दो फ्रेंड्स बन चुके हैं। मैथ्यू जब घर पहुंचता है तो अपनी मदर को लेटर लिखता है। वो बहुत ही खुश है कि उसके अब फ्रेंड्स बन चुके हैं। जब वो सुबह उठता है तो उसे थियो का कॉल आता है। थियो उसे आज रात डिनर के लिए घर बुलाता है। मैथ्यू शाम में उनके घर पहुंचता है। जब घर देखता है तो बहुत ही बड़ा घर होता है। इजाबेला फिर मदर को मैथ्यू से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। मदर को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैथ्यू डिनर के लिए आने वाला है, पर फिर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं। इजाबेला कहती है कि मेरे फादर से मिलो, उन पर अच्छा इम्प्रेशन तुम जमाना। इजाबेला के फादर एक पोएट होते हैं। इसके बाद जब ये डिनर टेबल पर होते हैं तो फादर पोएट्री में किस तरह से इंस्पिरेशन आती है इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, पर इस पर मैथ्यू का थोड़ा भी ध्यान नहीं होता। इस पर वो चिढ़ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सोच रहे थे। मैथ्यू कह नहीं रहा था पर उसे फोर्स करते हैं। वो कहता है कि मैं इस लाइटर को देख रहा था, किस तरह से इस लाइटर में और आसपास हमारे जो भी सब चीजें हैं इसमें बहुत ही अच्छे से एक सिमेट्री है। जिस तरह से वेल कंपोज्ड म्यूजिक बजता है उसी तरह से ब्यूटीफुली इसमें भी एक अच्छी सी हारमोनी है। फादर जब ये सब सुनते हैं तो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फादर थियो कहते हैं कि तुम्हारे जनरेशन में भी इस तरह से कंस्ट्रक्टिव चीजों को देखा जा सकता है। थियो के पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांग है और हमेशा उसे सब चीजें गलत लगती है, इसी वजह से फादर उसे ताना मारते हैं। इसी वजह से फादर और उसका थोड़ा सा झगड़ा होता है। एक्चुअल में इजाबेल के फादर और मदर यहाँ नहीं रहते, वो पोएट है तो विजिट करते रहते हैं। इस घर में थियो और इजाबेला अकेले ही रहते हैं। रात में फादर इन दोनों के लिए वो चेक लिखते हैं और चले जाते हैं। फादर मदर के जाने के बाद मैथ्यू फिर भी यही रुकता है। इजाबेला उसे किस करती है और कहती है कि क्या तुम यही रुकने वाले हो, और ये डिसाइड कर लेता है। जब थियो और मैथ्यू बात करते हैं तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हमेशा इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होती है। कन्फ्लिक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, फिर भी इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। आज रात मैथ्यू यही रुकता है। रात में जब ये टॉयलेट में जाता है तो थियो के रूम में झांक कर देखता है। वहां पर थियो और इजाबेला ये दोनों न्यूड होकर सोए हुए होते हैं। थियो को बहुत ही अजीब लगता है और सोने के लिए चला जाता है। सुबह मैथ्यू को इजाबेला अपने हाथों से मैथ्यू के आईलिड्स गिले कर उठाती है। मैथ्यू कहता है इस तरह से कौन उठाता है। इजाबेला कहती है कि हमेशा थियो को मैं ऐसे ही उठाती हूँ। मैथ्यू को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद इजाबेला मैथ्यू को बाथरूम में बुलाती है। मैथ्यू जब ब्रश कर रहा होता है तो उसके पास वो आती है, उसकी लिप्स देखती है और कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर थियो मैथ्यू से कहता है कि तुम अकेले रहते हो तो हमारे पास आकर रह सकते हो, तो अच्छे से फ्रेंड्स बन सकते हैं। मैथ्यू कहता है क्या तुम दोनों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजाबेला कहती है कि एक्चुअल में मेरा आइडिया था। यहाँ पर इजाबेला होती है पर फिर भी थियो बात करने लग जाता है। थियो और इजाबेला एक दूसरे को अपना ही पार्ट समझते हैं। जब इनका बर्थ हुआ था तो एक दूसरे की बॉडी से जुड़े हुए थे, इसी वजह से एक दूसरे से वो शर्म नहीं करते। जैसा मैथ्यू को लग रहा था कि इन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप होगी तो ऐसा कोई भी नहीं है। ये दोनों अपने माइंड में एक दूसरे को अलग अलग नहीं समझते। मैथ्यू भी इनके साथ रहने के लिए मान जाता है और शिफ्ट कर देता है। एक दिन जब वे हैंग आउट कर रहे होते हैं तब इनका एक गेम होता है जिसमें मूवी का डायलॉग कोई बोलता है और मूवी का नेम गेस करना होता है। अगर कोई गेस नहीं कर पाया तो उन्हें एक डेयर करनी होती है। एक पुरानी मूवी में उस मूवी के कैरेक्टर्स आर्ट म्यूजियम से भागते भागते बाहर निकल गए थे। ये उन्होंने बहुत ही कम वक्त में किया था। अब इन्हें भी आइडिया आती है कि उन्हें भी ये करना चाहिए।
मैं तो डर रहा होता है अगर वो पकड़ा गया तो फिर से उसे अमेरिका जाना पड़ेगा। ये दोनों उसे मना लेते हैं और एक कर भी आते हैं। ऐसी अजीबोगरीब लाइफस्टाइल जीकर ये सब खुश है। घर में थियो और इजाबेला इन दोनों में जो भी रिलेशनशिप है इससे मैं तो जरा अनकंफर्टेबल है। इसे समझ में नहीं आता कि चलता क्या है। एक दिन वो थियो को बाहर लेकर आता है और थियो से पूछता भी है कि ऐसा कैसे तुम रह सकते हो। थियो उसे सब कुछ समझाता है कि किस तरह से वो जुड़े हुए थे और अपने माइंड के लेवल में वो एक दूसरे को कभी भी अलग अलग नहीं समझते। एक दिन फिर से ये सब हैंग आउट कर रहे हैं और गेम खेलते हैं। इस बार थियो एक मूवी का सीन कर दिखाता है। मैथ्यू और इजाबेला इसे पहचान नहीं पाते। थियो इन दोनों को डेर देता है कि उसके सामने इन दोनों को इंटीमेट होना है। मैथ्यू ये सुनकर डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। मैथ्यू के सामने इजाबेला अपने कपड़े उतारती है। मैथ्यू ये सब करना नहीं चाहता तो जल्दी से वहां से भागता है पर थियो उसे रोक लेता है। मैथ्यू और इजाबेला इंटीमेट होते हैं और ये इजाबेला का फर्स्ट टाइम था। ये सब थियो देख रहा है। इसके बाद मैथ्यू और इजाबेला अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। एक दिन जब ये दोनों बेड पर होते हैं तो मैथ्यू इजाबेला से कहता है कि तुम और थियो इस तरह से क्यों हो। इजाबेला कहती है कि बचपन से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैथ्यू कहता है कि ये सब चीजें अगर तुम्हारे फादर को पता चल गई तो तुम क्या करोगी। इजाबेला कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। एक दिन थियो और मैथ्यू एक दूसरे से बात करते हैं तो मैथ्यू कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब हो पर फिर भी तुम दोनों ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया है। थियो मैथ्यू को कहता है कि तुम मुझे पसंद हो पर कभी भी ये मत बोलना कि तुम हमारा पार्ट हो। तुम हमारे फ्रेंड हो पर फिर भी हमेशा से हम दोनों ही थे और हम ही रहेंगे। ये मैथ्यू के लिए अजीब है पर फिर भी उसे जाने देता है। थियो और इजाबेला बहुत ही कॉस्टली लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत ही कॉस्टली वाइन पीते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। इस वजह से उन्हें बहुत सारे पैसे लगते हैं। उनके फादर उनके लिए जो पैसे छोड़कर जाते हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। उनके पास घर में कुछ वो खा सके इसके भी सही से पैसे नहीं है। ये तीनों अब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और घर चलाते हैं। मैथ्यू और इजाबेला में जो रिलेशनशिप अब हो रही है इसे देखकर थियो अब जरा जेलस है। एक दिन जब वो अपने कॉलेज में होता है तो वह एक लड़की उसे बात करने लग जाती है। ये दोनों अब डेट पर जाने वाले हैं। एक दिन ये सब बाथरूम में है और सब मिलकर नहा रहे हैं। थियो और मैथ्यू बात करते हैं। अमेरिकन सोल्जर वियतनाम में वॉर कर रहे हैं ये थियो को सही नहीं लगता। थियो सब अमेरिकन को इसके लिए ब्लेम करता है। मैथ्यू कहता है कि इस तरह से नहीं है, हमें फोर्स किया जाता है। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया और कोई यंगस्टर अगर वॉर के लिए नहीं जा रहा तो उसे जेल में डाल सकते हैं। इसलिए मैथ्यू वहां से भाग कर पेरिस में एजुकेशन ले रहा होता है। ये हमारा टाइम पीरियड जो चल रहा है ये 1960s का है। मैथ्यू कहता है कि मैं वायलेंस पर बिलीव नहीं करता, अगर रिवॉल्ट करना ही है तो शांति से करना चाहिए। इस पर भी ये दोनों डिसएग्री करते हैं। इजाबेला इनकी बात रोक लेती है। इजाबेला मैथ्यू से कहती है क्या तुम हम दोनों से प्यार करते हो, इसका कोई प्रूफ दे सकते हो। मैथ्यू कहता है कि कैसे मुझे प्रूफ देना है। इजाबेला उठती है और रेजर लाती है। थियो और इजाबेला ये दोनों मिलकर उसके प्यूबिक हेयर्स काटना चाहते हैं। मैथ्यू इन दोनों पर बहुत ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये सब गलत है, तुम हमेशा बच्चों की तरह सब कुछ चीजें करते हो, तुम्हें कभी ना कभी तो ग्रो होना ही पड़ेगा। वो अब इजाबेला को चिढ़ कर कहता है कि तुम्हें तो कोई भी चीजें पता नहीं है, तुम्हारा कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं था तो इसी वजह से तुम कभी डेट पर नहीं गई हो। थियो तुम्हें जो भी सब कहता है यही तुम करती हो। मैथ्यू फिर इजाबेला को प्रॉपर डेट पर लेकर जाता है। जब ये दोनों घर पर आते हैं तो थियो एक लड़की के साथ होता है। थियो और वो लड़की इंटीमेट होते हैं तो इसके आवाज इजाबेला को आते हैं। ये आवाज सुनकर वो डिस्टर्ब हो जाती है, जेलस महसूस करती है और बहुत रोती है। एक बार फिर से थियो और मैथ्यू वाइन पी रहे होते हैं। पेरिस में रिवॉल्यूशन चल रही है, इसके बारे में थियो बात करता है। मैथ्यू उस पर उसे कहता है कि तुम जो सब कहते हो इस पर मैं बिलीव नहीं करता, तुम सब बातें करते हो पर एक्चुअल में स्ट्रीट में तुम नहीं जाते, बातें करने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हें अगर सच में ये सब लगता है तुम्हें स्ट्रीट पर जाना चाहिए। थोड़ी देर में इजाबेला वहां आती है और इन दोनों को हॉल में लेकर जाती है। जब इजाबेला और थियो छोटे थे तो एक टेंट बनाते थे, उसके अंदर ही सोते थे। ये इन दोनों को वहां लेकर जाती है और ये तीनों अब सो जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि मदर फादर आते हैं। ये इन तीनों को इस टेंट में देखते हैं। यहाँ क्या चल रहा होगा इसे अज्यूम कर लेते हैं। फादर को बहुत ही बुरा लगता है, ये किसी को भी नहीं उठाते और चेक लिखकर वहां से चले जाते हैं। दिन में बहुत ही लेट इजाबेला उठती है, ये चेक वो देखती है तब उसे समझ में आता है कि उसके मदर फादर यहाँ आ चुके हैं। अपने पेरेंट्स को वो फिर से फेस नहीं कर पाएगी, इसे बहुत ही गिल्टी महसूस होता है। एक वो पाइप लेती है और पूरे घर को गैस करेगी और इसी गैस में मर जाएगी ये डिसाइड करती है। ये वो करना स्टार्ट भी करती है पर नीचे स्ट्रीट पर रिवॉल्यूशन चल रही है। इसका एक पत्थर आता है और खिड़की को तोड़ देता है। मैथ्यू और थियो भी अब उठ जाते हैं। नीचे जो सब लोग हैं इनमें वो ज्वाइन हो जाते हैं। आगे पुलिस खड़े हुए हैं और इन सब लोगों को रोक रहे हैं।
थियो डिसाइड करता है कि अगर उसे इस क्राउड को ब्रेक करना होगा तो वायलेंस ही वो चूज करेगा। वो आगे जाता है और पत्थर मारने लग जाता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। थियो के साथ इजाबेला भी आगे बढ़ती है। मैथ्यू इस समय पार्ट नहीं ले सकता तो वहां से भाग जाता है। पुलिस फिर चार्ज करते है और सब लोग भागने लग जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है। अब एंडिंग क्या हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। जो रिवॉल्यूशन इस मूवी में दिखाई गई है ये सिर्फ कैरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दिखा रही है। थियो और इजाबेला ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स है। जब इनका जन्म हुआ था तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमेशा इनमें एक बड़ी अटैचमेंट थी। कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं मानते थे। इजाबेला को कभी ना कभी डेट करना था तो इसीलिए वो मैथ्यू को डेट कर रही थी। तो इस चीज से जरा जेलस होने लग गया क्योंकि अपना ही एक पार्ट किसी और के साथ है तो उसे गलत लगा। यही चीज इजाबेला ने भी महसूस की। इजाबेला को कभी कभी लगता था कि थियो से उतना प्यार करती है ये सब गलत है। पर इसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट थी। इसके पेरेंट्स को अगर पता चल गया तो सुसाइड कर लेगी यह हमेशा उसके मन में था। मूवी के लास्ट में उसके पेरेंट को पता चल गया और वो सुसाइड कर रही थी। पर नीचे रिवॉल्यूशन चल रही थी। उसका पत्थर ऊपर आ गया और इनकी जान उन्होंने बचा ली। ये जो रिवॉल्यूशन है ये उनकी माइंड की स्टेट है। थियो और इजाबेला एक साथ रहे ये कभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैथ्यू हमेशा यही चीज उन्हें याद करा कर देता था। लास्ट में थियो और इजाबेला रिवॉल्ट कर उठते हैं। मूवी में पुलिस के खिलाफ ये रिवॉल्ट हम देखते हैं पर एक्चुअल में सोसाइटी के खिलाफ ये रिवॉल्ट है। मैथ्यू इन सब में पार्ट नहीं ले सकता तो इनकी लाइफ से वो एग्जिट हो जाता है। इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है। मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि थियो और इजाबेला इन दोनों में कोई भी इंसेस्ट की रिलेशनशिप नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को एक मानते थे इसी वजह से एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। यही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत।